हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर बकुल देव फ्रॉम अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो और ये हमारा ठीक 3 बजे का सेशन है जिसमें हम एनिमल किंगडम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से और अब हम लगभग आखिरी स्टेज में आ गए हैं। फाइलम कॉर्डेटा हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें ट्रू फिशेज तक का सेक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज इनफैक्ट एम्फीबिया के भी कुछ जनरल कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम एम्फीबिया का बचा हुआ पोर्शन और रेप्टाइल्स ये वाला पोर्शन आज कंक्लूड करने वाले हैं। ओके, तो सेशन हम बस स्टार्ट करने ही वाले हैं और इससे पहले मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं टीम प्लेसेबो से। टीम प्लेसेबो जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, इन्हें देखिए सबको अच्छे से। हम 6 लोग डेली आपके लिए 12 आवर्स के लाइव सेशंस लेकर के आते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 10 टू नाइट आई सपोज 11 o'clock लास्ट क्लास आपका होता है। तो हम सभी लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी चारों ही सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रहेंसिवली आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं। ओके, जल्दी से देख लीजिए। अमित सर बॉटनी पढ़ा रहे हैं आपको शाम 5 बजे, रात 11 बजे। दीपक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे, रात 9 बजे। आनंद सर जूलॉजी पढ़ा रहे हैं सुबह 10 बजे, रात 10 बजे। मैं भी आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूं सुबह 10 बजे, सुबह शाम दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे। ऋतु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही है शाम 4 बजे, शाम 6 बजे। और रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे। तो इस टीम के साथ जुड़े रहिए बच्चों, इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब किए रखिए और यहां जो जो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं बस आप उन्हें फॉलो करते जाइए। नीट और एम्स दोनों ही आप बहुत अच्छी रैंक से क्रैक करने वाले हैं। ओके, स्टे ट्यून्ड विद अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो। एनिमल किंगडम ये यूनिट हमारा चल ही रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर बकुल देव, आई एम फ्रॉम जयपुर। फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स आई हैव बीन मेंटरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स। हजारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, और उनमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं। मोर देन 2500 अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में गए हैं। बहुत बार डबल डिजिट, सिंगल डिजिट रैंक लेकर के आए हैं बच्चे। 6 बार ऐसा भी हुआ है जब AIR 1 लेकर के आए। आप में से भी बहुत सारे बच्चे अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हों ये हम उम्मीद करते हैं। मैं खुद भी चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी रैंक के साथ बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करके नीट और एम्स दोनों को क्रैक करें। तो बच्चों जुड़े रहिए प्लेसेबो के साथ में, यहां आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। और जो एक सबसे अच्छी चीज अनअकैडमी के साथ आपको मिलती है वो है ये प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस। ये प्लेटफॉर्म बड़ा बहुत खास तरीके का प्लेटफॉर्म है, बहुत यूनिक प्लेटफॉर्म है। ऐसा और कोई भी प्लेटफॉर्म इस वक्त अवेलेबल नहीं है जो आपकी सारी जरूरतों को, सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो कॉम्प्रहेंसिवली, कोई भी लक्यूना आपका न छोड़ता हो। जैसे ये लाइव सेशन है तो लाइव सेशन के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चंस हम प्रॉपरली रिप्लाई नहीं कर पाते, प्रॉपरली अटेंड भी नहीं कर पाते सारे के सारे बच्चों को। कोशिश हम करते हैं, बाद में आप जो मैसेजेस में क्वेश्चंस पूछते हैं उनको भी हम रिप्लाई करते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर आपको 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड करना है, दिस इज द प्लेस फॉर यू, अनअकैडमी प्लस। अगर आपको हर क्लास के बाद PDF फॉर्मेट में नोट्स चाहिए इंक इन्होंने के मार्क के साथ में या विदाउट देम, देन दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। आपको हर 7वें दिन अगर एक लाइव क्विज को लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करना है बहुत सारे और नीट और एम्स एस्पिरेंट्स के साथ, और यूनिट कंप्लीशन पर आपको मेगा क्विज जो कि लाइव ऑर्गेनाइज होता है उसमें पार्टिसिपेट करना है जिससे कि आपको अपना स्टेटस पता चले, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। एंड फाइनली अगर आपको पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लेना है जिसमें आपका एक एक डाउट, एक एक क्वेरी बहुत अच्छे से आप ही को एड्रेस करते हुए क्लियर किया जाएगा, डेफिनेटली दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू। तो डू सब्सक्राइब फॉर अनअकैडमी प्लस, जल्दी से आइए। वहां पर बहुत अलग अलग तरीके के कोर्सेज चलते रहते हैं प्लस पर। अभी इस वक्त नीट और एम्स के लिए लगभग 40 ऑल ओवर इंडिया से लगभग 40 एक्सपीरियंस्ड और बहुत अच्छे एजुकेटर्स नीट और अनअकैडमी के नीट प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। एक बार जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे यू विल बी एलिजिबल टू अटेंड क्लासेज ऑफ ईच एंड एवरी एजुकेटर, जो भी वहां अवेलेबल आप सबकी क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मतलब सबके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की आपको जरूरत नहीं है। जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस, जितने क्विजेज हो रहे हैं, जितने डाउट सेशन हो रहे हैं, सब अटेंड कीजिए आप, और कहीं कोई लक्यूना बचेगा ही नहीं। अभी देखो जो अगस्त में 2 कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, एसेंट फॉर क्लास 12th, जिसमें मैं, रोहित मालव सर, आशुतोष गौरव सर और अमित दीक्षित सर आपको
ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस करवा रहे हैं और एक पूरा जो कंप्लीट कोर्स ऑन जूलॉजी अभी मैंने स्टार्ट किया है इंडिविजुअली, इसमें इलेवेंथ और ट्वेल्थ का पूरा सिलेबस मैं कॉम्प्रहेंसिवली कवर करवा रहा हूँ। तो ये दो नए कोर्सेज अभी अगस्त मंथ में लॉन्च हुए हैं और भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जब आप आएंगे प्लेटफॉर्म तो आपको पता चलेगा। और बच्चों प्लस को सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, ये जो वीडियो अभी चल रहा है इसके नीचे के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक को आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्रिप्शन का पेज ओपन हो जाएगा और आपको सब्सक्राइब कर लेना है अनअकैडमी प्लस, केवल ये क्राइटेरियन दिमाग में रखते हुए कि आप अभी ट्वेल्थ में हैं या फिर आप अभी ड्रॉप कर रहे हैं, दोनों ही केसेस में आपको 12 मंथ यानी कि 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लेना है, दैट इज 25,000 बहुत कम फी है उस कंटेंट के अगेंस्ट जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल करवाया जा रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट आई वुड से। एंड इफ यू यूज द रेफरल कोड बकुल 10 देन इट इज गोइंग टू बी 22,500, यानी ये 10% और कम हो जाने वाला है, ये और सस्ता हो जाने वाला है कोर्स आपके लिए। और ये जो फी है 40 एजुकेटर्स आपको मिल रहे हैं बच्चों, 30 घंटे के लाइव सेशंस डेली मिल रहे हैं, क्विजेज मिल रहे हैं, मेजर टेस्ट मिल रहे हैं, मेगा क्विजेज मिल रहे हैं, PDF फॉर्म में आपको नोट्स मिल रहे हैं, 1-to-1 डाउट सेशन मिल रहे हैं, और क्या चाहिए, दिस इज मोर देन सफिशियंट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुरंत सब्सक्राइब कर लो अनअकैडमी प्लस। और जो बच्चे अभी 11th में उनको सीधे इस पे टिक करना है 24 मंथ सब्सक्रिप्शन बिना ज्यादा सोचे, क्योंकि 2 साल आपको पूरा कंप्लीटली अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हुए तैयारी करनी है। तो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन को जब आप ऑप्ट करेंगे फी आपको दिखाई देगा 40,000 फॉर 2 ईयर्स, दैट इज 20,000 फॉर 1 ईयर, उससे भी सस्ता हो गया है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन से। और जैसे ही आपने रेफरल कोड काम में लिया दैट इज बकुल 10, द फी इज गोइंग टू बी 36,000 माने 18,000 रुपए एक साल के, जो कि कुछ भी नहीं है। मतलब ये है कि जो किंडरगार्टन स्कूल्स वगैरह होते हैं उनका फी जो है वो भी इससे 4-4, 5-5 गुना ज्यादा होता है। जो कंटेंट, जो मटेरियल आपको यहां पर मिल रहा है दैट इज ऑसम, दैट इज अनपैरेलल, और जो फी आपसे चार्ज की जा रही है सब्सक्रिप्शन फी दैट इज नथिंग। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्लस पर आ जाओ जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सेशन स्टार्ट करें बच्चों। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम जब सेशन स्टार्ट करते हैं तो एक छोटे से क्विज के साथ स्टार्ट करते हैं। और मैं जरा देख लूं, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं अभी क्लास में, शारदा झा, जुवेरिया आप बीच में गायब हो गई थी, डॉक्टर बंटी सिंह आपको मैं आज पहली बार शायद बुला रहा हूं, नाम मैंने पहली बार पढ़ा है आपका, शिवशंकर प्रजापति, कौशल बघेल, नारायण आप आते रहते हैं, तरुण, विक्रम धाकड़ ये इरेगुलर हैं, कभी कभी आ जाते हैं बीच में फिर गायब हो जाते हैं, अंजलि, रिया ये रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, कोमल अग्रवाल, गुलिश्रा परवीन ये भी शायद आज पहली बार आई हैं, विजय रेगुलर स्टूडेंट हैं, इशू नायडू ये भी मैं नाम पहली बार पढ़ रहा हूं, बहुत सारे बच्चे आज पहली बार आए हैं तो गुड। अब जब आप आ गए हैं तो बने रहिए। कुंदन सिन्हा ये इनकी भी फर्स्ट क्लास है, इन्होंने लिखा भी है वेलकम कुंदन एंड ऑल अदर स्टूडेंट्स हु केम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सौमित्र मंडल ये भी मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छे आज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पहली बार आए हैं, वेरी गुड। देवांशु, चेतन, चेतन भी शायद पहली बार ही हैं, है ना। और देखो जरीना हमद ये भी पहली बार आई होंगी मेरे ख्याल से, उत्कर्ष ये आते रहते हैं, हर्ष, तन्वी, अंजू, कोमल अग्रवाल, संजू बाबा, काजल, मोनिका शर्मा, ठीक है काफी सारे बच्चे आ गए बच्चों, क्विज स्टार्ट कर दें जल्दी से। चलो जी क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से और फिर रिप्लाई करो बच्चों। Which of the following set of the animals show a close taxonomic relationship? Alligator, Nautilus, Turtle, Honeybee, Crayfish, Spider, Jellyfish, Cuttlefish, Catfish, Kangaroo, Octopus and Salamander. तो जरा ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन दिमाग की खिड़कियां खुली रखते हुए और सिली मिस्टेक मत कर देना क्योंकि इसमें 12 ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं तो सबको आपको ध्यान रखना है कौन सा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन से फाइलम में आता है, देन यू विल हैव टू कंक्लूड कि कौन सा आंसर इसका अप्रोप्रिएट होना चाहिए। तन्वी आप दिखाई दे गई बेटा और मैंने आपका नाम बोला भी था। संस्कार जैन कह रहे हैं 1, अनुजा सोनी कह रही है 1,
देखते हैं अभी, देखो अभी मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एनिमल शो ए क्लोज टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप। बेटा देखो क्या है कि किसी ने अगर वन आंसर कर दिया है तो सबके सब वन 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 टिक करते जाओ, ये जरूरी नहीं है। खुद का दिमाग इस्तेमाल करो और फिर आंसर करो। अभी मेरे पास एक भी क्वेश्चन, एक भी रिप्लाई ठीक नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल रिप्लाई इज करेक्ट टिल नाउ। चलिए मैं ही एक्सप्लेन करता हूं इसको, ऐसे आपसे नहीं हो पाएगा। देखिए एलिगेटर तो आता है रेप्टाइल्स में, नॉटिलस ये आता है मॉलस्का में, टर्टल भी रेप्टिलिया में, तो इन दोनों को मैं मान लेता हूं कॉर्डेटा में, फाइलम के बेस पर बात करें तो इसमें दो तो कॉर्डेटा के हैं और एक मॉलस्का का है। हनीबी, क्रेफिश, स्पाइडर, दे ऑल बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। जेलीफिश, कटलफिश, कैटफिश, तो जेलीफिश तो आपका कहां आता है, सीलेंट्रेटा। कटलफिश किस में आता है, मॉलस्का। और कैटफिश किस में आता है, पाइसीज यानी कि कॉर्डेटा, नो रिलेशन एट ऑल। कंगारू चलो कॉर्डेटा, मैमेलिया में आता है ये। ऑक्टोपस ये आपका मॉलस्का। सेलामेंड्रा दैट इज कॉर्डेटा। अब बताइए जरा, सारे के सारे बच्चे वन 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 रिप्लाई किए जा रहे हैं बिना देखे। किसी एक बच्चे ने रिप्लाई कर दिया और फिर सारे उसको देख देख के वन रिप्लाई करते रहे। व्हाट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड, बिकॉज दे ऑल बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेम फाइलम से बिलोंग करते हैं। बाकी किसी भी ग्रुप में ऑर्गेनिज्म है ही नहीं जो कि सेम फाइलम से बिलोंग करते हो। तो अपने खुद के दिमाग का इस्तेमाल किया करो। जो किसी एक ने अगर रिप्लाई कर दिया है तो जरूरी नहीं है कि वो रिप्लाई करेक्ट हो, ठीक है ना। चलो जी दूसरे क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। अब ये फिर से वैसी चीज है, मोलस्का जिसमें पाइला, जेंटेलियम ऑक्टोपस, पोरिफेरा जिसमें स्पॉन्जिला, टेरेडो ल्यूकोसोलेनिया, आर्थ्रोपोडा, पिनवर्म, एस्केरिस कॉकरोच, एकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, पेट्रोमाइजोन, सोलेन। एक करेक्ट है इसमें, कहने का मतलब फाइलम और उसके दिए हुए जो भी ऑर्गेनिज्म है वो करेक्ट हैं। बताइए कोमल कह रही है वन, ठीक है। अभी मेरे पास रिप्लाई ठीक आ रहे हैं। पाइला इज एप्पल स्नेल, मोलस्का में आता है। डेंटेलियम इज टस्क शेल, ये भी मोलस्का में आता है। ऑक्टोपस डेविल फिश, ये भी मोलस्का में आता है, ठीक है। अब इसको देख लें जरा, पोरिफेरा स्पॉन्जिला ये तो ठीक है आता है इसमें। टेरेडो इज शिप वर्म, ये मोलस्का में आता है। ल्यूकोसोलेनिया ये स्पंज ही है। आर्थ्रोपोडा का तो इनमें से केवल एक है, कॉकरोच, पिनवर्म और एस्केरिस, ये दोनों एस्केहेलमेंथीज के हैं। एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आता है। पेट्रोमाइजोन आपका किस में आता है, साइक्लोस्टोमेटा में। और सोलेन किस में आता है, मोलस्का में। सो ओके, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ज्यादातर बच्चों ने इसका रिप्लाई ठीक दिया है। चलो जी क्लासिफिकेशन ऑफ लेबियो, चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं थोड़ी। लेबियो जो है, रोहू भी कहते हैं इसको, इट इज अ ट्रू फिश, बस इतना बता देता हूं। अब जरा बताइए, लेट मी सी, नेथोस्टोमेटा, पाइसीज, ऑस्टिकथीज, नेथोस्टोमेटा, पाइसीज, कॉन्ड्रिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज, नेथोस्टोमेटा, पाइसीज, ऑस्टिकथीज, अब देखो कुछ क्वेश्चन आप इस तरीके से भी करते हैं। एक आपको तरीका मैं बताता हूं, आंसर आप बाद में दीजिएगा।
आपको अगर क्लासिफिकेशन का चार्ट याद है तो सबसे पहले मैंने लिखा था कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में लिखा था ए क्रेनिया, क्रेनिएटा, क्रेनिएटा में फिर लिखा था वर्टिब्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा को दो में डिवाइड किया था ए नेथा एंड नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा को फिर दो में डिवाइड किया था पाइसीज एंड टेट्रापोडा। तो अब एक बात तो आपको सीधे सीधे ये समझ में आ गई कि भैया इस सीक्वेंस में सबसे पहले तो नेथोस्टोमेटा आएगा। अब जो भी बच्चे थर्ड या फोर्थ ऑप्शन आंसर दे रहे हैं उनको तो ये समझना चाहिए कि भाई ये कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्टिक्थीज जो है कार्टिलेजिनस और बोनीफिश वो तो इसमें आएंगे, कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्टिक्थीज, तो फिशेज जो है वो भी किसमें इंक्लूड किए जा रहे हैं, नेथोस्टोमेटा में। तो सीक्वेंस में पहली चीज तो यही आएगी, मतलब ऑप्शन इधर वन इज करेक्ट और टू इज करेक्ट। आपके लिए अब जो क्वेश्चन बचा है वो केवल इतना कि ये कार्टिलेजिनस फिश है कि बोनी फिश। तो जिन लोगों को जानकारी है, जिन बच्चों को जानकारी है कि रोहू इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एडिबल फिशेज इन इंडिया, सबसे ज्यादा कंज्यूम की जाने वाली फिशेज में से है रोहू, और साथ में आप ये भी याद रख लें कि कार्टिलेजिनस फिशेज को खाया नहीं जाता, वो एडिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती एडिबल कार्टिलेजिनस फिशेज, ये भी समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कार्टिलेजिनस फिशेज जो हैं दे स्टोर यूरिया इन देयर ब्लड, अपने ब्लड में यूरिया स्टोर करते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं फिजियोलॉजिकल यूरेमिया। अब सवाल यह है कि यूरिया क्यों स्टोर करते हैं भाई ब्लड में? यूरिया इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेज सारे के सारे मरीन वाटर्ड होते हैं एक्सक्लूसिवली, तो बाहर के वाटर की ऑस्मोलैरिटी से मैच करने के लिए उनको अपने बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है। अगर वो ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएंगे नहीं तो फिर ऑस्मोलैरिटी में डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि बाहर सॉल्ट बहुत ज्यादा है, अंदर सॉल्ट बहुत कम है, तो पानी अंदर से बाहर निकलने लगेगा। तो ये यूरिया स्टोर करते हैं अपने ब्लड में, इस वजह से पंजेंट स्मेल आती है इनमें, तो ये एडिबल नहीं होते। एडिबल केवल कौन से होते हैं? बोनी फिशेज। अब अगर ये एडिबल है तो ये किस में आ जाएगा? ऑस्टिक्थीज। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी नेथोस्टोमेटा, पाइसीज एंड देन ऑस्टिक्थीज। जिस जिस बच्चे ने ये ऑप्शन दिया है दैट इज करेक्ट। आंसर ही बताया है बेटा, काजल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था जिससे आपको ये याद रहे कि कोई एडिबल फिश अगर आपसे पूछ ली जाती है कभी। अनुजा सोनी कह रही है व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो मरीन वाटर में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, फ्रेश वाटर में या हमारे बॉडी फ्लूइड में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन थोड़ा कम होता है, तो उस ऑस्मोलैरिटी को मैच करने के लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई बात आपको। चलो चौथे क्वेश्चन पर जंप करें। यह मैंने आपसे कल ही डिस्कस किया था, बता दो जल्दी से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज गिल इज कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। सबसे पहली बात तो यह समझ लो कि ये चारों की चारों कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, दे ऑल आर कार्टिलेजिनस, और कार्टिलेजिनस फिशेज में यूजुअली ऑपरकुलम होता ही नहीं, केवल एक एक्सेप्शन है, देयर इज ओनली वन कार्टिलेजिनस फिश जिसमें कि गिल्सलेट्स आर कवर्ड बाय ऑपरकुलम, और इसी वजह से उसको कनेक्टिंग लिंक कंसीडर किया जाता है कार्टिलेजिनस और बोनी फिश का। देखें जरा, ठीक है ठीक है, रिया ने कहा 3, अनुजा सोनी ने कहा 3, अंजलि कुमारी 3, राकेश वर्मा, रिया मैगन, विजय, ठीक है, ज्यादातर बच्चों के रिप्लाई ठीक हैं। काइमेरा जिसको रेड फिश या रैबिट फिश भी कहते हैं और इसको कनेक्टिंग लिंक भी कंसीडर करते हैं किस किस के बीच में बच्चों, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश। चलो ये तो क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, ये मैंने कल भी तो पूछा था आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्यूटेरोस्टोमिक, पूछा था कि नहीं?
मेरे ख्याल से क्वेश्चन कल भी पूछा था, तो ये स्लाइड एज इट इज आ गया एक बताइए चलिए जल्दी से, ये तो कल डिस्कस हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, कल ही हमने पढ़ा था ये, और ये क्वेश्चन अब तक तो आपको याद होना चाहिए। मैं अब ये देख रहा हूं बस कि गलत कौन आंसर कर रहा है इसका। लेट मी सी, रिया बेटा आपने आपने इस क्वेश्चन को गलत क्यों आंसर किया? ये तो कल भी डिस्कस किया था हमने, दैट इज सेम क्वेश्चन। संस्कृति कह रही है ड्यूटेरोस्टोमिक का मीनिंग क्या होता है? बेटा ड्यूटेरोस्टोमिक का मतलब होता है जिनमें ब्लास्टोपोर से एनस या क्लोएका बने। अब आप पूछेंगे ब्लास्टोपोर क्या होता है, तो ब्लास्टोपोर होता है आर्केंटेरॉन का ओपनिंग। अब आप पूछेंगे आर्केंटेरॉन क्या होता है, तो आर्केंटेरॉन होता है प्रिमिटिव गट। गैस्ट्रुलेशन के वक्त जो पहला कैनाल बनता है बॉडी में, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज नोन एज आर्केंटेरॉन। अब आप ये भी पूछ सकती हैं कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए आपको एनिमल किंगडम बेसिक्स के शुरू के दो लेक्चर देख लेने हैं और आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन बचेगा तो मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, तो ठीक है, इसमें सिंपल सा आंसर है सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस। बाकी सारे के सारे तो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। नॉन कॉर्डेटा में बस एक ही फाइलम है आप जानते हैं, जो ड्यूटेरोस्टोमिक ओरिजिन का है, एंड दैट इज एकाइनोडर्मेटा। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस। अब मैं आगे चलूं, आज हम एम्फीबिया को फिर से पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से फिशेज के एग्जाम्पल देख लो। ये काइमेरा है आपका, रेड फिश या रैबिट फिश हम जिसे कहते हैं, और ये प्रिस्टिस है सॉ फिश। ये आरी के जैसा दिख रहा है, देखो इसका जो स्नाउट है। स्कॉलियोडॉन, ये रहा स्कॉलियोडॉन। डॉग फिश भी कहते हैं जिसे, शार्क भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। इसमें देखो इसका हेड जो है हथौड़े के जैसा दिख रहा है, ये जाइगेना है। इसको हैमर हेडेड फिश भी कहा जाता है। ये आपका टॉर्पीडो है, ये कल मैंने बताए थे आपको, जल्दी से फिर से बता रहा हूं एक बार। इलेक्ट्रिक रे, ठीक है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है इसमें जो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करता है फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस। ये है आपका ट्राइगॉन, जिसको स्टिंग रे कहा जाता है, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल एक्स्ट्रा लिखा है यहां, राइनोबेटस जिसका नाम है गिटार फिश। ये सारे कार्टिलेजिनस फिशेज हो गए। कार्टिलेजिनस फिशेज को हम कॉन्ड्रिक्थीज भी कहते हैं, इनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। जल्दी से बोनी फिशेज के एग्जांपल भी देख लो बच्चों। अब देखो ये तो आपको दिखाई दे रहा है हिप्पोकैम्पस, और हिप्पोकैम्पस को हम और क्या कहते हैं, सी हॉर्स। और इसमें क्या होता है याद रखना है आपको, इट एग्जिबिट वर्टिकल स्विमिंग, ये वर्टिकली स्विम करता है, ठीक है। कैटला, ये भी एडिबल फिश है, जैसे रोहू एडिबल होता है ये भी एडिबल है। एग्जोसीटस, देखो इसके फिन्स पंख के जैसे हो गए, तो ये फ्लाइंग फिश हो गया जिसका नाम है एग्जोसीटस। यहां ये सोलिया, फ्लैट फिश जिसे हम कहें। गैम्बूशिया, ये रहा जिसको लार्वी वायरस फिश भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एनोफेलीज के लार्वा को फीड करता है, उसको कंज्यूम करता है, और अगर एनोफेलीज के लार्वा को ये कंज्यूम करेगा तो ये मलेरिया के बायोलॉजिकल कंट्रोल के प्रोसेस में हेल्प करेगा। और ये है आपका एनाबस, जिसे हम कहते हैं बच्चों क्लाइंबिंग पर्च। ये आपके बोनी फिशेज हो गए कलेक्टिवली, जिनको हम ऑस्टिक थीज कहते हैं, बोनी फिशेज या टिलोस्टाई भी कहा जाता है। आखिरी हिस्सा था लंग फिशेज, जिनको हमने डिप्नोई कहा। लंग फिशेज का मतलब क्या हुआ, क्या पढ़ा था हमने कि इन फिशेज में एयर ब्लैडर जो होता है, इट ऑल्सो असिस्ट
in respiration. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी ये हेल्प करता है, असिस्ट करता है, इसी वजह से इनको लंग फिशेस कह देते हैं। और ये फिशेस क्या होती हैं? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा, थ्रू आउट द वर्ल्ड इनके केवल तीन ही स्पीसीज सर्वाइव कर रहे हैं, नियोसिरेटोडस, लेपिडोसायरन, प्रोटोप्टेरस। ये नियोसिरेटोडस है, ये लेपिडोसायरन है, ये प्रोटोप्टेरस है। सबसे ऊपर वाला जो नियोसिरेटोडस, दैट इज ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, ये अमेरिकन लंग फिश, ये अफ्रीकन लंग फिश। और बच्चों, मैंने ये भी आपको बताया था, ये भी डिस्कस किया था, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। ये हम कल पढ़ चुके हैं सारा। अब आ जाते हैं एम्फीबिया पर। एम्फीबिया के भी जनरल करेक्टर्स मैंने कुछ कल डिस्कस कर लिए थे। हाँ विजय, एयर ब्लैडर लंग फिशेज में असिस्ट करता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। सर्वर आलम कह रहे हैं फिश में एक्सटर्नल और मिडिल ईयर नहीं होते हैं तो सुनाई कैसे देता है? देखो, जो हियरिंग एपरेटस होता है वो इंटरनल ईयर में होता है। अब जैसे स्नेक है तो स्नेक में टिम्पेनम नहीं होता, लेकिन उसको एयरबॉर्न साउंड सुनाई नहीं देता, लेकिन जो अब जॉ को जब जमीन पर टच करेगा तो ग्राउंड वाइब्रेशन उसके इंटरनल ईयर तक पहुंच जाएंगे। तो किसी भी तरीके से अगर इंटरनल ईयर तक वो माइग्रेशन हो गया है आपके वाइब्रेशंस का, इन दैट केस इट विल बी ऑडिबल। अर्जुन सिंह कह रहे हैं नमस्ते। ठीक है, नमस्ते बेटा, कोई बात नहीं, आप लेट हो, अब स्टार्ट कर दो क्योंकि कल हमने यहीं तक पढ़ा था। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया का मतलब हो गया एम्फी माने बोथ, बायोस माने लाइफ। इट मींस दे सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। लेकिन आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या, दैट एम्फीबियंस आर यूजुअली फाउंड इन फ्रेश वाटर। मतलब एम्फीबियन मरीन वाटर में नहीं मिलेंगे। ये तो बात ठीक है कि एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी, लेकिन एक्वेटिक कौन से एक्वेटिक होंगे? फ्रेश वाटर। मरीन वाटर में कोई रेयर एम्फीबियन मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज 99% केसेस में एम्फीबियन हमेशा कहां मिलेंगे? फ्रेश वाटर में। ये याद रखना है आपको। बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक एंड वी कैन से टेल इन अ फ्यू। जैसे सेलामेंडर है तो सेलामेंडर वाले ग्रुप में टेल मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अब देखो, फिशेज में हमने पढ़ा था स्किन पर स्केल होते हैं, यहां स्किन कैसा है? स्केल लेस एंड मॉइस्ट। आप मेंढक का स्किन अगर देखेंगे, उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ा मॉइस्ट और स्मूथ होता है, क्योंकि उसके पूरे स्किन पर म्यूकस का कवर होता है। तो मॉइस्ट और स्मूथ किस लिए है? बिकॉज स्किन ऑल्सो असिस्ट इन ब्रीदिंग, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसको हम कहते हैं। इनका स्किन भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। टू पेयर ऑफ लिम्ब्स, और लिम्ब्स के लिए हम लिखते हैं बच्चों पेंटा डेक्टाइलस लिम्ब्स। ऐसे लिम्ब्स जिनमें पांच डिजिट मिलते हो, जैसे हमारे हाथ में पांच डिजिट है, हमारे पैर में पांच डिजिट है, तो ऐसे लिम्ब क्या कहलाए? पेंटा डेक्टाइलस लिम्ब्स। ओके, अब रेस्पिरेशन पर आते हैं। तो रेस्पिरेशन इनमें तीन तरह का होता है, समझ लो अच्छे से। एक तो मैंने बता ही दिया आपको, क्यूटेनियस माने कि स्किन से। दूसरा बकोफेरेंजियल यानी कि ओरल कैविटी से, और फेरिंग से। और तीसरा होता है पल्मोनरी माने कि लंग से। तो रेस्पिरेशन एम्फीबियन में तीन अलग अलग स्ट्रक्चर से होता है, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एज वेल एज पल्मोनरी। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, लेकिन आपको यह याद रखना है इट ओपन्स टू एक्सटीरियर थ्रू क्लोएका। इनमें एनस न होके क्या होता है? क्लोएका। कुछ करेक्टर्स तो ये हुए, अब यहां आ जाओ।
ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के लिए मैंने आपसे कल क्या कहा था कि इनमें हार्ट के डॉर्सल सरफेस पर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा एक। अब अगर मैं हार्ट ड्रॉ करूं ये इनका थ्री चैम्बर्ड हार्ट है और हार्ट के डॉर्सल सरफेस पर ये एक एक्स्ट्रा चैम्बर है जिसका नाम है साइनस विनोसस। ये आपको याद रखना है अच्छे से। और दूसरी चीज क्या याद रखनी है, अगर वेंट्रली देखेंगे हार्ट को तो वेंट्रली भी हार्ट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हार्ट के वेंट्रल पोर्शन से एक और चैम्बर ओरिजिनेट होता है जिसका नाम है ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो हार्ट जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में थ्री चैम्बर्ड हार्ट, पहली चीज तो ये याद रखनी है। और दूसरी चीज याद रखनी है टू एडिशनल चैम्बर्स हार्ट के डॉर्सल सरफेस पर तो मिलेगा बच्चों साइनस वेनोसस और वेंट्रल सरफेस पर मिलेगा ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जाता है। ठीक है, मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन। काजल पूछ रही है साइनस वेनोसस का फंक्शन क्या है। होता क्या है कि पहले बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में जाने से पहले इसमें इकट्ठा होता है और फिर यहां से जाता है राइट एट्रियम में। इनिशियली सारा ब्लड यहां आकर के इकट्ठा होगा, देन इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू राइट एट्रियम। ठीक इसी तरीके से वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पहले इसमें जाएगा और यहां से फिर पंपिंग होगी तो फिर बॉडी के बाकी हिस्सों में जाएगा। ठीक है, तो ये सपोर्ट करते हैं पंपिंग के प्रोसेस में, दैट इज द फंक्शन। चलिए जी, एक चीज और याद रख लेना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, एम्फीबियंस पजेस लार्जेस्ट आरबीसीज, मतलब कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स सबका ब्लड ले लें और सबकी आरबीसी को कंपैरेटिवली एनालाइज करें तो उनमें सबसे बड़े साइज का आरबीसी किसका होगा, एम्फीबियंस का। रिलेटिव साइज ऑफ आरबीसी इज मैक्सिमम इन केस ऑफ एम्फीबियंस। ओके चलो जी अगली बात पर आए, एक्सक्रीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि डिफरेंशियल पॉइंट है, याद रखना अच्छे से। एक्सक्रीशन में पहली चीज तो ये कि एक्सक्रीशन होता है मीजोनेफ्रिक किडनी से, फिशेज में भी यही थे मीजोनेफ्रिक किडनी, लेकिन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस दो तरह का है, अमोनिया और यूरिया। अब अच्छे से याद कर लेना इसको क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अमोनिया किसमें होता है, टेल्ड एम्फीबियंस एंड लार्वल स्टेजेस। मतलब किसी भी एम्फीबिया में अगर टेल है जैसे सेलामेंडर, और एम्फीबिया का कोई भी लार्वा है जैसे कि एक्सोल्टल लार्वा जो सेलामेंडर का होता है, टेडपोल लार्वा जो फ्रॉग का होता है, उनमें तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा अमोनिया। और टेल लेस एम्फीबियन में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, यूरिया। टेल लेस एम्फीबियन का एग्जांपल हो गया आपका फ्रॉग या फिर टोड, करेक्ट। अनुजा सोनी कह रही है मीजोनेफ्रिक किडनी क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में समझा पाऊंगा, लेकिन अभी आप यूं समझ लें कि किडनीज डेवलपमेंट के प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन तरह के होते हैं, प्रोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक जो सबसे कम डेवलप्ड है, जो कि साइक्लोस्टोमेट्स के लार्वल स्टेजेस में मिलते हैं, मीजोनेफ्रिक जो रिलेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और डेवलप्ड है, और मेटानेफ्रिक जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। यू कैन से इट लाइक दिस, सिंप्लीफाइड मैनर में समझा रहा हूं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं, फिशेस और एम्फीबियंस दोनों में
मीजोनेफ्रिक किडनीज होते हैं। चलो जी नर्वस सिस्टम की बात करें तो मॉडरेटली डेवलप्ड ब्रेन, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट। और बच्चों इनमें दो तरह के लार्वा बनते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जब मैं लिखता हूं। पहला तो लार्वा आप जानते ही हैं, दैट इज टेडपोल, जो किसमें होता है, फ्रॉग में। एक और लार्वा होता है एग्जॉल्टल, जो सेलामेंडर का लार्वा है। ठीक है, दो तरह के लार्वल स्टेजेस मिलते हैं। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब आप समझते ही हैं, कोल्ड ब्लडेड, या हम कहें एक्टोथर्मिक, यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब एक्सट्रीम वेरिएशन होते हैं टेम्परेचर में, इन दैट केस दे एग्जिबिट ईदर हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। फ्रॉग में आप देखते हैं हाइबरनेशन एस्टिवेशन। एक तो विंटर स्लीप होता है, जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो ये जमीन में थोड़ा नीचे चले जाते हैं कुछ फीट के डिस्टेंस पर एक बिल बना करके, और वहीं बने रहते हैं और बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है बस उससे काम चलाते हैं, बाहर नहीं आते, क्योंकि बाहर टेम्परेचर इतना कम है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी उसी लेवल पर आ जाएगा, उनकी डेथ भी हो सकती है। इसी तरीके से जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, तो ये क्या एग्जिबिट करते हैं, समर स्लीप। तो समर स्लीप में भी यही होता है, ये इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब हुआ एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बॉडी का टेम्परेचर चेंज कॉन्टिन्यूसली होता रहेगा, मेंटेन नहीं रह पाएगा। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है, चाहे एनवायरमेंटल टेम्परेचर जीरो हो जाए, चाहे माइनस में चला जाए, चाहे 50 पे चला जाए। आ रही है कि नहीं बात समझ में? तो हम होमियोथर्मिक हो गए, एंडोथर्मिक हो गए, वार्म ब्लडेड हो गए, करेक्ट। अनुजा कह रही है ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ओवीपेरस का मतलब जो एग डिलीवर करते हैं, दे आर ओवीपेरस। इंस्टीड ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जैसे मैमल्स क्या करते हैं, यूथेरियन मैमल्स, ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन गिव बर्थ टू यंग वन, तो ह्यूमन हो गया वेवीपेरस। और जो एग देते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, प्रोटोथीरियंस हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ये सब किस कैटेगरी में आ गए, ओवीपेरस। सिंपल चीज है, ये तो नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। नहीं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हर टेम्परेचर पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एक नॉर्मल रेंज में ही सर्वाइव कर पाएंगे। इसी वजह से जैसे फिशेस की मैं बात करूं तो वाटर के अंदर तो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होते नहीं है, आ रही है कि नहीं बात समझ में? लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत तेजी से होते हैं, तो वहां हाइबरनेशन और एस्टिवेशन दोनों की जरूरत पड़ती है। ओवो विविपेरिटी के बारे में पूछ रही हैं। अब ओवो विविपेरिटी क्या है, ट्रू सेंस में देखा जाए ना, अब इसको समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट को, अगर आप ट्रू सेंस में देखेंगे तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो ओविपेरिटी या विविपेरिटी। भाई या तो कोई ऑर्गेनिज्म एग डिलीवर करेगा या कोई ऑर्गेनिज्म जो है इट विल गिव बर्थ टू यंग वन, या तो वो होंगे जो बच्चे पैदा करते हैं या वो होंगे जो कि अंडे देते हैं, फिर उनमें से हैचिंग के बाद ऑफस्प्रिंग बाहर आते हैं। दो ही कंडीशंस हो सकती हैं आइडियली। अब ये जो टर्म आ गया ओवो विविपेरिटी, ये कहां से आया? इस टर्म का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म तो विविपेरस है, मतलब ऑर्गेनिज्म इज गिविंग बर्थ टू यंग वंस, बट दैट यंग वन इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड, वो यंग वन पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है। जैसे कंगारू, तो कंगारू के केस में क्या होता है, पूरा डेवलपमेंट मदर की बॉडी में नहीं होता, बर्थ के बाद उसको एब्डोमेन पर एक पाउच होता है, मार्सुपियम, थैले के जैसा स्ट्रक्चर, तो बर्थ के बाद उसको प्रोटेक्टेड रखा जाता है उस थैले में जब तक वो फुल्ली डेवलप ना हो जाए। आ गई बात समझ में? तो ऐसे टर्म इस पर्टिकुलर फिनोमिनन के लिए हम टर्म यूज कर लेते हैं ओवो विविपेरिटी। आ गई बात समझ में? दोज हु गिव बर्थ टू यंग वंस बट यंग वंस आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड, समझ आ गया ठीक से?
अनुजा रिप्लाई करो बेटा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हो गए, मैं फिर से रिपीट कर दूं। बॉडी डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, स्किन स्केललेस होता है, टू पेयर लिम्स होंगे, ये तो सिंपल चीजें हैं। रेस्पिरेशन के तीन मेथड हैं, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल एंड पल्मोनरी। डाइजेशन इनमें कंप्लीट होगा लेकिन मिलेगा क्लोएका, एनस नहीं मिलेगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 3-chambered हार्ट है बट 2 additional चैम्बर्स होंगे। डॉर्सल सरफेस पर साइनस वीनोसस, वेंट्रल पर ट्रंकस आर्टेरियोसस। एक्सक्रीशन मेसोनेफ्रिक किडनी से होगा, दो तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, अमोनिया एंड यूरिया। अगर टेल्ड एम्फीबियन है और लार्वल स्टेजेस हैं तब तो अमोनिया, अदरवाइज यूरिया। नर्वस सिस्टम मॉडरेटली डेवलप्ड होगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दो तरह के लार्वल स्टेजेस और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये एम्फीबियंस के मेजर फीचर्स हो गए। अब मैं एग्जाम्पल पर आ जाता हूं, जल्दी से देख लो इस स्लाइड को, अच्छे से देखो। देखो पहला है इक्थायोफिस, ये जो दिखाई दे रहा है दैट इज इक्थायोफिस। ये लिम्बलेस है, ये वो एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब्स नहीं होते, इसमें आपको लिम्ब्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे, इसने एग कैरी कर रखे हैं, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू। नेक्टुरस, ये नेक्टुरस है, इसको मड पपी भी कहते हैं। सेलामेंड्रा, ये सेलामेंडर है, ठीक है। प्रोटियस, ये प्रोटियस है जिसको केव सेलामेंडर भी कहते हैं, कहने का मतलब ये गुफाओं में मिलता है या ऐसी जगहों पर मिलता है जहां पर लाइट का पेनिट्रेशन न के बराबर हो। सिरेन, ये सिरेन है जिसको मड ईल भी कहा जाता है। और आखिर में एम्फीयूमा, ये एम्फीयूमा है जिसको कॉन्गो ईल भी कहा जाता है। अब ये जितने भी एम्फीबियन आपको दिखाई दे रहे हैं जरा ध्यान दीजिए, देखो इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल है, इसमें भी टेल दिखाई दे रहा है, इसमें भी टेल दिखाई दे रहा है, उसमें भी टेल है, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, टेल्ड एम्फीबियंस। और जब ये टेल्ड एम्फीबियंस हैं सारे के सारे, तो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, अमोनिया। आ गई बात समझ में। और ये जो सेलामेंडर है इसी के लार्वा को हम क्या कहते हैं, एग्जॉल्टल। लार्वा ऑफ सेलामेंडर इज नोन एज एग्जॉल्टल। अभी देखता हूं कोई क्वेश्चन है क्या। रिया मेगन कह रही है नियोटेनी, नियोटेनी देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में शायद डिस्कस हुआ हो पर मैं बताए देता हूं। नियोटेनी का मतलब होता है व्हेन द लार्वा रिमेन्स लार्वा, मतलब लार्वा का मेटामॉर्फोसिस हुआ ही नहीं, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो लार्वल स्टेज में ही बना रहा थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन इस लार्वल स्टेज में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए, बाकी चीजें डेवलप नहीं हुई, बाकी सारे ट्रेट्स लार्वा के ही रहे, इसमें केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए। एंड दिस लार्वा स्टार्टेड टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, देन दिस कंडीशन इज नोन एज नियोटेनी। आ गई बात समझ में, तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। मैं क्वेश्चन देखता हूं कोई और क्वेश्चन। राहत जान कह रहे हैं मॉस्किटो के लार्वा को क्या कहते हैं, ये आप मेटामॉर्फोसिस वाला सेक्शन एक बार देख लीजिएगा, वैसे मैं बताए देता हूं आपको, रिगलर, ठीक है ना। और देखो
ठीक है, अभी ज्यादातर क्वेश्चंस के रिप्लाई मैंने कर दिए, 5 मिनट के बाद फिर देखता हूं। कुछ एग्जांपल तो हो गए, ये फिर से रिपीट कर दूं, इक्थायोफिस लिम, ये लिम्बलेस हो गया, इसमें लिम्स नहीं है, ये आपका नेक्टोरस या मड पपी हो गया, ये सेलामेंडर हो गया, ये केव सेलामेंडर हो गया प्रोटियस, ये सिरेन हो गया जिसको मर्डील कहा जाता है, वो एम्फियोमा माने कि कॉन्गोइल हो गया। ठीक है, अब चलो आगे, ये आपके टेललेस एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियन का सबसे बड़ा ग्रुप। ये जो दिखाई दे रहा है ये है राना, जिसको कॉमन इंडियन बुल फ्रॉग भी कहा जाता है, जो कॉमन मेंढक हमें दिखाई देता है हमारे बारिश के सीजन में घर के आसपास बगीचे में किसी नदी के किनारे पर, वो सारे के सारे कौन है? राना। रेकोफोरस, इसको कहते हैं फ्लाइंग फ्रॉग। तो इसमें देखो जरा, इसके डिजिट्स के बीच बीच में ये स्ट्रक्चर बन गए हैं, जिससे जब ये उड़ेगा तो ये एयर को लीप आउट करेगा, इट इज फ्लाइंग फ्रॉग। ठीक है, ब्यूफो, ये ब्यूफो है, ये है कॉमन टोड। अब टोड और फ्रॉग में बेसिक डिफरेंस समझ लो, ये लगभग एक जैसे ही होते हैं, अंतर क्या है? एक तो फ्रॉग जो है, फ्रॉग इज मोर एक्वेटिक लेस टेरेस्ट्रियल, टोड में उल्टा है, मोर टेरेस्ट्रियल लेस एक्वेटिक। टोड का स्किन थोड़ा सा रफ होता है, ड्राई होता है, और टोड यूजुअली, टोड का बॉडी साइज जो है वो भी यूजुअली थोड़ा बड़ा होता है। एलाइटस, जिसे हम कहते हैं मिडवाइफ टोड, ये रहा मिडवाइफ, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेल है, इस मेल के बैक पर छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिनमें कि एग्स बियर करता है, ये एग्स डिलीवर्ड बाय फीमेल, वो इसके बैक पर, इसकी पीठ पर छोटे छोटे खड्डे होते हैं, पिट्स होते हैं, उनमें ये एग इकट्ठा हो जाते हैं। दिस इज हाइला एंड दिस इज जीनोपस, दिस इज एफ्रीकन फ्रॉग। तो ये आपके एम्फीबिया के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म हो गए। इनका जो लार्वा है वो कहलाएगा टेडपोल, आ गई बात समझ में? और ये सारे के सारे क्या हो गए? टेललेस एम्फीबियंस। तो टेललेस एम्फीबियंस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों? यूरिया। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। हाँ, कुछ स्पीसीज टोड के पॉइजनस भी होते हैं बेटा, अंजलि, प्रसन्न कुमार, आप बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हैं, अर्गा, नहीं ऑर्डर याद मत कीजिए, नीट के लिए कोई जरूरत नहीं है, नीट में स्पेसिफाइड है आपका, इट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड दैट कॉर्डेटा अप टू क्लास लेवल, नॉन कॉर्डेटा अप टू फाइलम लेवल। तो हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं, क्लास एम्फीबिया, सीधे क्लास में आप एग्जांपल्स देखो, दैट इज मोर देन सफिशियंट। ठीक है ना, चलिए ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस आ गए मेरे पास में, कुछ के रिप्लाई भी कर दिए, अब 5 मिनट के बाद फिर से देखते हैं। एम्फीबिया इज कंप्लीटेड, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों रेप्टिलिया। रेप्टिलिया का मतलब होता है क्रीपिंग, मतलब रेंगने वाले, जो रेंग कर चलते हैं उनको हम कहते हैं रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स। अब जनरल कैरेक्टर्स देखो जरा इनके, बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड ट्रंक एंड टेल। अब ट्रू सेंस में टेल पहली बार पूरे ग्रुप में यहां पर आया है, क्योंकि एम्फीबियन में टेल केवल किसमें था? सेलामेंडर वाले ग्रुप में, और उससे पहले फिशेज में भी हमने टेल टर्म काम में लिया था, लेकिन वो टेल न होके क्या था बच्चों? फिन, कॉडल फिन, जिसको हमने टेल कह दिया था। इनमें स्किन पर स्केल्स प्रेजेंट होंगे जैसा कि फिशेज में था, लाइक फिशेज। टू पेयर ऑफ लिम्स, ये सेम कैरेक्टर है, पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होंगे, 5 डिजिटेड लिम्स होंगे। रेस्पिरेशन इनमें केवल क्या होगा?
पल्मोनरी, डाइजेशन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, और ये भी बाहर किससे ओपन होगा, क्लोएका, एनस नहीं होता, मोनोकोंडाइलिक स्कल, इसको भी समझ लो जरा। देखो ये जो हमारा स्कल है, इस स्कल में पीछे की तरफ यहां एक बोन होता है बच्चों, जैसे मैं पीछे से इधर से कोई स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये पीछे की तरफ जो बोन है, यहां जो बोन है ये ऑक्सीपिटल बोन होता है, अब हमारे ऑक्सीपिटल बोन में क्या होता है, यहां दो कॉन्डाइल होते हैं छोटे छोटे इस तरीके के, और ये पहला जो वर्टिब्री होता है हमारा दैट इज एटलस, उससे कनेक्ट हो जाते हैं, नीचे फिर ये एक्सिस आता है, फिर बाकी वर्टिब्रीज आते जाएंगे, ठीक है ना। तो जब दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होंगे तो स्कल क्या कहलाया, डाइकोंडाइलिक स्कल, किसमें है ये, ह्यूमन में। अब रेप्टाइल में हम क्या लिख रहे हैं देखना जरा, मोनोकोंडाइलिक स्कल, तो मोनोकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीपिटल बोन पर केवल एक ही कॉन्डाइल मिलेगा, इन दो की जगह सिंगल कॉन्डाइल मिलेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ मोनोकोंडाइलिक स्कल। अब रेप्टाइल्स के बारे में कुछ एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट फीचर समझ लो, रेप्टाइल्स को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। इनको फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट क्यों कहा, इस वजह से क्योंकि एम्फीबियंस टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में तो आ गए लेकिन अभी भी वो ब्रीडिंग के लिए वाटर पर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। ये पहला ग्रुप है वर्टिब्रेट्स में जिसकी वाटर पर डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो गई है, और ये अपना लाइफ साइकिल पूरी तरह लैंड रीजन में जमीन पर कंप्लीट कर सकता है, ओके। अब अगर इनको फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट कहते हैं तो एक बात और समझो बच्चों, वो क्या, इनमें कुछ एवोल्यूशनरी एडवांस्ड फीचर्स होंगे, एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट्स, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें चाहिए, तो पहली एक्स्ट्रा चीज इनमें क्या बनी, एमनियन। एमनियन एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से कवर करती है, और उसमें एक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये मेम्ब्रेन बनना इस वजह से जरूरी है जिससे कि एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट का प्रोसेस जब हो रहा हो उस वक्त, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट, फीटस या एम्ब्रियो का डिहाइड्रेशन ना हो। इससे पहले के जो ग्रुप हैं, फिशेज चाहे एम्फीबियंस, उनमें यह मेम्ब्रेन नहीं होता, तो एमनियन प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एमनियोट, बिकॉज इट पजेस एमनियन। दूसरी चीज क्या चाहिए भाई टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, कॉपुलेटरी ऑर्गन इन मेल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये एबिलिटी भी अगर डेवलप नहीं हुई तो भी टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो रेप्टाइल्स में ये एबिलिटी भी आ गई कि मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन आ गया जिसकी हेल्प से वो मेल गैमीट को सीधे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिलीवर कर सकता है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी भी आ गई। तीसरा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब इनके लंग्स डेवलप्ड और फंक्शनल स्टेट में होने चाहिए। अब लंग्स जो है वो एम्फीबियंस में भी बन गए हैं लेकिन वो उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। इनका तो एक्सक्लूसिव मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होने वाला है, लंग्स, तो लंग्स इनके डेवलप्ड स्टेट में होने चाहिए, करेक्ट। चौथा, ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ये भी एक तरीके का टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है। यूरिक एसिड क्यों एक्सक्रीट करते हैं ये, क्योंकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने के लिए वाटर की सबसे कम क्वांटिटी चाहिए। अगर हमें अमोनिया एक्सक्रीट करना है तो बहुत ज्यादा वाटर चाहिए क्योंकि अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है।
अगर हमें यूरिया एक्सक्रीट करना है तो मॉडरेट क्वांटिटी में वाटर चाहिए, और अगर हमें यूरिक एसिड एक्सक्रीट करना है तो यूरिक एसिड लगभग लगभग सेमी सॉलिड जेली के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, तो वाटर की क्वांटिटी बहुत कम खर्च होती है। तो इस तरीके से वाटर मेंटेन रहेगा बॉडी में, वाटर लॉस जो है वो बॉडी से मिनिमाइज हो जाएगा इफ यूरिक एसिड इज अवेलेबल। आ गई बात समझ में? तो ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं ये इनके टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस हैं। अच्छा, अंजलि कह रही है कि एम्फीबियंस में स्केल क्यों नहीं होते, क्योंकि एम्फीबियंस में ड्यूरिंग एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ दे हैव टू यूज देयर स्किन फॉर द पर्पस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, और अगर स्केल होंगे तो वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इस वजह से एम्फीबियन का स्किन कैसा होता है, स्केललेस। करेक्ट। और कोई क्वेश्चन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है अभी। ठीक है, चलिए जी आगे चलें। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो रेप्टाइल्स का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है? हार्ट इस तरीके का होता है, देखो, दैट इज इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड हार्ट। हार्ट अगर इनकम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा तो वो इनकम्प्लीट चैम्बर वेंट्रिकल वाला होगा। क्रोकोडाइल के केस में एक्सेप्शन क्या आ गया? कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड होगा इन केस ऑफ क्रोकोडाइल। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। एक्सक्रीशन अभी मैंने बताई दिया, एक चीज ये याद रखनी है दैट किडनीज आर मेटानेफ्रिक, पहली बार बना है मेटानेफ्रिक किडनी, और एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड। नर्वस सिस्टम इनका डेवलप्ड कहेंगे, क्योंकि इनमें सेरिब्रम जो है वो रिलेटिवली उन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा हो गया है, ज्यादा डेवलप्ड स्टेट में आ गया है। रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के साथ डेवलपमेंट, ये भी यहीं पे लिखा हुआ है, ये कैसा हो गया? डायरेक्ट, मतलब नो लार्वल स्टेज। और इनको भी किस कैटेगरी में रखते हैं? पॉइकिलोथर्मिक, माने कि कोल्ड ब्लडेड। जैसे कि एम्फीबियंस थे वैसे ही ये भी कोल्ड ब्लडेड है, हालांकि इनको स्टीनोथर्मल, यूरीथर्मल, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये कोल्ड ब्लडेड तो हैं, लेकिन एक नैरो रेंज में टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसको समझ लो जरा। जैसे मान लो कि अगर टेम्परेचर वेरी करेगा, एज्यूम करो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, इतना वेरिएशन हुआ 20 से 30 या 30 से 20 आ गया, तो इस नैरो रेंज में, नैरो रेंज के अंदर तो ये क्या हो जाएंगे? आइसोथर्मिक। कहने का मतलब टेम्परेचर अगर केवल इतना सा वेरी करे, एग्जाम्पल बता रहा हूं, केवल 20 से 30 तक गया या 30 से वापस 20 तक आ गया, वेरिएशन केवल 10 डिग्री का हो रहा है, तो इस 10 डिग्री के वेरिएशन को तो ये टॉलरेट कर जाएंगे, इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहेगा। मान लो बॉडी टेम्परेचर इनका 25 है, तो वो बॉडी टेम्परेचर 25 ही रहेगा, चाहे बाहर का टेम्परेचर 20 है, चाहे बाहर का टेम्परेचर 30 है, इस नैरो रेंज में। लेकिन अगर ये 20 से डाउन आ गया, मानो कि 15, या 30 से ऊपर चला गया, मान लो 40, तो अब ये अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, तो हम इनको क्या कहते हैं? पॉइकिलोथर्मिक तो है ये, बट दे आर एंडोथर्मिक इन द नैरो रेंज। आ गई बात समझ में? नैरो रेंज में एंडोथर्मिक है, और अदरवाइज ये कैसे हैं? पॉइकिलोथर्मिक। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए जी, ये जनरल करेक्टर हो गए। अब कुछ एग्जांपल बताऊं आपको, वैसे तो लगभग लगभग हम कंक्लूड करने वाले हैं, पर कुछ एग्जांपल बताए देता हूं। देखो, ये जो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है आपको यहां, इसे हम कहते हैं कीलोन या मैरीन टर्टल। आ गई बात समझ में? मरीन वाटर में मिलता है। और ये जो दिख रहा है इसको हम कहते हैं टेस्टुडो
इसका मतलब हो गया फ्रेश वाटर्ड और वी कैन से टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइस। एक तो टर्म हमने यूज किया टॉर्टोइस, एक किया टर्टल। टर्टल यूजुअली मरीन वाटर्ड होते हैं, टॉर्टोइस फ्रेश वाटर्ड और मतलब एम्फीबियस नेचर के होते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिज्म, ये है स्फिनोडॉन। ये टुआट्रा भी कहलाता है और ये केवल एक जगह मिलता है, दैट इज न्यूजीलैंड, बाकी जगहों पर नहीं मिलता। टर्टल और टॉर्टोइस, इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लो, क्योंकि ये जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं बच्चों, उसे हम कहते हैं किलोनिया, जिसमें क्या क्या आए, टर्टल एंड टॉर्टोइस। वो जो दो दिखाई दे रहे हैं केवल, वो इसकी बात नहीं कर रहा हूं। टर्टल टॉर्टोइस दोनों में ही जो स्पेसिफिक फीचर हैं वो क्या हैं? सबसे पहला एम्फीबियस नेचर के हैं। अब देखो इनके स्किन पर एक कवर दिखाई दे रहा है, रिजिड कवर, तो कैरापेस एंड प्लेस्ट्रॉन, मतलब डॉर्सल कवर जो होता है वो तो कैरापेस, वेंट्रल कवर जो होता है वो कहलाता है प्लेस्ट्रॉन, ये बॉडी को कवर रखता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर इनका, जॉ इज मॉडिफाइड इनटू ए बीक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इनमें चोंच के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रू सेंस में जबड़ा या जॉ नहीं होता। आ गई बात समझ में? और यूजुअली इनका लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होता है, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में होता है इनका लाइफ स्पैन। तो ये पहले कुछ एग्जांपल हो गए जिनको टर्टल या टॉर्टोइस हम कह रहे हैं बच्चों। आगे देखो ये एलिगेटर वगैरह हैं, क्रोकोडाइल, ये बच गए हैं। फिर आपके लिजार्ड वाला सेक्शन बच गया है और स्नेक, ये नॉन पॉइजनस स्नेक दिखाई दे रहे हैं आपको, पाइथन है, सैंड बोआ है, और ये आपको पॉइजनस स्नेक दिखाई दे रहे हैं, सी स्नेक है। फिर उसके बाद में वाइपर दिखाई दे रहा है, वो कोरल स्नेक दिखाई दे रहा है, ये कोबरा दिखाई दे रहा है, वो करैत दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल बच गए हैं, इन एग्जांपल्स को अब मैं आने वाले सेशन में, अगले सेशन में कंप्लीट करूंगा। आखिर में आपके एक बार पढ़ लेता हूं कमेंट, कोई क्वेश्चन अगर आए तो। संस्कृति कह रही है मेरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका क्वेश्चन क्या है संस्कृति, देख लूं जरा अगर दिखाई दे तो। चलो अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन जो है वो पोस्ट कर देना है जो नॉर्मल कमेंट बॉक्स है उसमें, है ना। एज ऑफ नाउ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं बच्चों, तो ठीक है, मिलते हैं अब शाम को 7 बजे। आज शाम को 7 बजे हम इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, डीडीटी रेजिस्टेंस, सिकल सेल एनीमिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये सारे एग्जांपल पढ़ने वाले हैं। स्पीसीज स्पेसिएशन क्या होता है और ह्यूमन का एवोल्यूशन किस सीक्वेंस में हुआ, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 7 बजे आ जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। शार्प 7 o'clock मैं सब आप सब लोगों का वेट करूंगा। और अब से ठीक 25 मिनट के बाद 4:30 आई विल बी ऑन अनअकैडमी प्लस, तो प्लस सब्सक्राइब कर लो बच्चों जल्दी से। एंड बिफोर आई साइन ऑफ, हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, हम सब लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं आपके साथ, पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। आप लोगों से हमें जो चीज चाहिए वो केवल इतना कि इसको, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो इसको लाइक करो और इसको दूर दूर तक पहुंचाओ, बाकी सब लोगों तक इसको पहुंचाओ, जिससे कि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके, उनके भी फंडामेंटल्स क्लियर हो सके। तो मिलते हैं बच्चों ठीक 7 बजे, गुड बाय एज ऑफ नाउ।